घंटे से काम नहीं कर रहा है। हावड़ा कंटामंजी इस्पात एक्सप्रेस में जो की रोजाना हावड़ा से सुबह 6:35 पे निकलती है और आपको सेम डे इवनिंग में 8:35 पे कंटामंजी रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। सो की जो ट्रेन है ना टोटल 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है 23 हॉल्ट के साथ लगभग 14 घंटा में। तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 21 पे और अपनी इस्पात एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 21 से ही चलती है और आज इस ट्रेन में हम लोग की जर्नी होने वाली है थर्ड एसी कोच में। कोच है B1, सीट है 50, मतलब मिडिल बर्थ मिला, कोई नहीं दिन भर का ही सफर है। ये रही अपनी सीट 50 नंबर मिडिल बर्थ। तो पहले तो भाई लाइट जलाते हैं। या वैसे इस ट्रेन में ब्लैंकेट वगैरह पिल्लो वगैरह मिल रहा है, बेड सीट वगैरह मिल रहा है, तो ये तो सही बात है। लेकिन ट्रेन जो है ना शाम में 8:35 पहुंचा ही देती है, तो मेरे समझ से इसका यूज बहुत कम लोग करते होंगे। ऑल इंडिया दस टका सब है भैया पेपा बोलून पेपा। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने ये ले लिया है दो रेल ली, वैसे 14 घंटा का जर्नी है, तो ये 2 लीटर पानी ना सफिशियंट है 14 घंटा के। भाई ये चीज़ काफ़ी सही लगा। अब क्या है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सुपरवाइज़र को आप डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, कोच अटेंडेंट को कॉल कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि खोजना पड़ता था कि भाई साहब अटेंडेंट कहाँ, सुपरवाइज़र कहाँ है। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो इनका नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, डायरेक्ट कॉल कीजिए। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 6:42 और अपनी ट्रेन निकल चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 21 से, लगभग 7 मिनट डिले।
भाई 115 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट खड़गपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KGP। और यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। खड़गपुर रेलवे स्टेशन ये वेस्ट बंगाल के पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 12 और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 180 ट्रेन आकर रुकती है। और आपको पता है इंडिया का सबसे बिगेस्ट रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? भाई साहब खड़गपुर में ही है। और वर्ल्ड का 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म भी खड़गपुर में है। अब आप बोलिएगा भैया पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब इंडिया में ही है। पहला है हुबली, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा है कोलम और चौथा है अपना खड़गपुर। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CAP। और यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन जो है ना यहां पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन आता है झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। नंबर प्लेटफॉर्म 3। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1890 मतलब 1890 में। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का मतलब इस्पात एक्सप्रेस की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। ये जो ट्रेन है ना 10 जनरल क्लास मतलब सेकेंड सीटिंग कोच के साथ चलती है, साथ ही 2 थर्ड AC और 2 AC चेयर कार कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ इन टू विंड, अगर आप जनरल क्लास में जर्नी कीजिएगा मतलब सेकेंड सीटिंग में जर्नी कीजिएगा, उसका फेयर आपको पड़ेगा 240 रुपया। अगर आप 3rd AC में जर्नी कीजिएगा जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ इन टू विंड, उसका फेयर आपको पड़ेगा 1155 मतलब 1155 रुपीज़। अगर आप AC चेयर कार कोच में जर्नी कीजिएगा इंड टू इंड, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 960 रुपया। हाँ जी, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस्पात एक्सप्रेस के बाथरूम का कंडीशन। और बाथरूम में जाने से पहले सामने आप देख सकते हैं मिरर है और मिरर का कंडीशन आपके सामने है। ये रहा वाटर डिस्पेंसर, AC पानी वगैरह तो आ रहा है क्योंकि टाइम अभी हो रहा है 11:46। नीचे डस्टबिन है और इधर एक्सटिंग्विशर है, इधर भी ये रहा डस्टबिन। अब मैं आपको ले चलता हूँ वॉशरूम में। और देखिए वॉशरूम में जाने से पहले क्या लिखा हुआ है, प्लीज अवॉइड यूजिंग द टॉयलेट एट स्टेशन, मतलब स्टेशन पे आपको वॉशरूम यूज नहीं करना है। ठीक है भाई, अब हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम में। और वॉशरूम में आते ही देखिए सामने में आपको देखने को मिलेगा मिरर, मिरर की साफ सफाई एवरेज है। ये रहा वाटर डिस्पेंसर, पानी वगैरह आ रहा है, बेसिन भी साफ है और इसमें लिक्विड सोप भी है, नीचे डस्टबिन है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक वायर लटका हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का वायर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है, क्या है ना कि कोच है बहुत पुराना, फिर भी इसे मेंटेन किया गया है, हद तक मेंटेन किया गया है। वैसे अब तक की जर्नी में 2 बार OBHS स्टाफ आए हैं, वॉशरूम की साफ सफाई किए हैं, कोच की भी साफ सफाई हुई है। तो देखिए साफ सफाई में ढिलाई नहीं हो रहा है, काम किया जा रहा है। कुछ पुरानी है फिर भी मेंटेन किया जा रहा है, अभी तक सही है। तो भाई लगभग 412 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट राउरकेला रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ROU। और यहां पर इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है राउरकेला में। वैसे राउरकेला ना उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। नंबर प्लेटफॉर्म 5।
वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1891 मतलब 1891 में, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 93 ट्रेन आकर रुकती है राउरकेला में। वैसे इस ट्रेन में आपको खाने पीने की मैं बात करूँ तो सुबह 10 बजे ऑर्डर ले लिया जाता है, और पेंट्री का खाना आपको लंच जो है ना राउरकेला से पहले दे दिया जाएगा। अभी भैया आए थे पूछने के लिए कि आपको लेना है, हम बोले भाई अभी नहीं लेना है, राउरकेला के बाद हम लोग लंच ट्राई करेंगे। वैसे लंच में आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, एक वेज थाली, एक चिकन थाली, एक अंडा थाली। वेज थाली जो है वो आपको पड़ेगा 110 का, भैया तो बता रहे हैं 110 का, बाद में देखते हैं उसका रियल प्राइस कितना है। एक थाली बता रहे हैं भैया 100 का, और चिकन थाली का प्राइस सही बता रहे हैं 130 का। और ब्रेकफास्ट में आपको सुबह मिल जाएगा ब्रेड ऑमलेट और ये वेज कटलेट मिल जाएगा, तो वो 40 का, ब्रेड ऑमलेट पड़ेगा 50 का, तो वो रेट तो सही है। यहाँ से निकलती है उसके बाद फिर देखते हैं भाई वेज थाली में क्या क्या है, पेंट्री का खाना कैसा है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 1:25 और राउरकेला से निकलते ही देखिए अपना पेंट्री का बना हुआ गर्मा गर्म लंच आ चुका है। एक है वेज थाली और एक है एक थाली। तो भाई ये रही अपनी थाली, वेज थाली और नॉन वेज थाली। तो वेज थाली में आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं, ये राइस है और आलू सोयाबीन की सब्जी है, ये आलू सोयाबीन की सब्जी, साथ में ये दाल, और दाल का थिकनेस सही है, और साथ ही ये पनीर की सब्जी मिलेगी आपको, ये पनीर है, ये आपको मिलेगा वेज थाली में। अगर आप अंडा थाली लीजिएगा तो सेम चीज़ मिलेगा, साथ में ये दो अंडा मिलेगा, ये दो अंडा है, इसका ग्रेवी है, ग्रेवी थोड़ा कम लग रहा है, ग्रेवी का क्वांटिटी होना चाहिए था, ग्रेवी 9 के बराबर है भाई, सिर्फ एक कह सकते हैं, सिर्फ दो अंडा है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। वैसे ये वेज थाली है ना, ये भैया बताए हैं 110 का पड़ेगा, चावल दाल सब्जी और पनीर 110 की, और ये चावल दाल सब्जी और अंडा ये भैया बताए हैं 100 का, साथ में पिकल दिया जाएगा और नैपकिन दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे दाल, टेस्ट की अगर मैं बात करूं दाल की तो दाल सही है, थिकनेस भी बराबर है, खा सकते हैं, खाने लायक है। अब हम लोग ट्राई करेंगे आलू सोयाबीन की सब्जी, आलू सोयाबीन की भी सब्जी जो है ना ये भी सही है। अब ट्राई करते हैं हम लोग पनीर, देखते हैं पनीर कैसा। वैसे जो चीज भी दिया गया है ना पेंट्री का बना हुआ है बिल्कुल गर्मा गर्म है, पनीर की भी सब्जी बढ़िया है, और पनीर जो है ना ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है भाई, पनीर सही है, इसका जो ग्रेवी है ना वो भी बहुत बढ़िया है। अब हम लोग ट्राई करते हैं अंडा का ग्रेवी, अंडा का टेस्ट तो आप सभी को पता है, ग्रेवी देखते हैं कैसा है। वैसे ग्रेवी का क्वांटिटी काफी कम है, थोड़ा और होना चाहिए था। अंडा का ग्रेवी भी सही है, क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी है भाई खाने में। तो इस ट्रेन का कहानी यही है कि अगर आप ट्रेन में जर्नी करते हैं तो पेंट्री का खाना आप ट्राई कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में वेज कटलेट ब्रेड ऑमलेट मिलेगा, और लंच में अभी ये वेज थाली चिकन थाली 130 का, और ये अंडा थाली ये आपको मिल जाएगा। तो खाना इस ट्रेन का बढ़िया है, आप आंख बंद करके खा सकते हैं। वैसे 14 घंटा का जर्नी है, आप घर से भी खाना ला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लाते हैं तो पेंट्री का खाना आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको खाते हैं, फिर खाने के बाद मिलते हैं। और कितना प्राइस वो तो भैया बताए हैं ना कि ये थाली 110 की है और अंडा वाली थाली 100 की है, ये जब बिल मंगाएंगे तो बिल में पता चलेगा ये एक्चुअल में थाली कितनी की है। हाँ भैया, आप लेबर कोई से बोल रहे हैं, और किसी काम नहीं कर रहा है, गर्मी लग रहा है। हाँ भैया देख लीजिए, थोड़ा आगे थोड़ा देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। हाँ लगभग आधे घंटे से काम नहीं कर रहा है,
भैया ठीक है भैया थोड़ा ये जल्दी भाई। लगभग 515 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 14वां हॉल झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JSG। और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। और झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन आता है उड़ीसा के झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। वैसे झारसुगड़ा किस चीज़ के लिए फेमस है पता है आपको? इंडस्ट्री और माइंस के लिए। और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक टेम्पल है झादेश्वरी टेम्पल, जो कि झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वो भी काफ़ी फेमस है। अभी हम लोगों ने जो लंच किया पेंट्री का बना हुआ खाना बिल्कुल गर्मा गर्म था और टेस्ट भी सही था। प्राइस अभी तक भैया पैसा लेने नहीं आए हैं, अभी आएंगे फिर बताएंगे कि भाई एक्चुअल में प्राइस हम लोगों को कितना पड़ा पेंट्री के खाने का। अभी जो है हम लोगों ने जो लंच किया था तो उसका बिल हमने लिया है। आपको पता ही है कि अब जब भी हम जर्नी करते हैं और पेंट्री से खाना लेते हैं तो उसका बिल जरूर लेते हैं। तो जब खाना का ऑर्डर दिए थे ना तो उस वक्त भैया बोले थे वेज थाली 110, ठीक है, और अंडा थाली बताया गया था 100 रुपये का। तो टोटल उस हिसाब से हो गया, दो थाली हम लोग लिए थे तो 210 रुपया, लेकिन बिल आया है भाई साहब 170 रुपये का। थाली का रेट लगाया गया है 80 रुपये। वेज थाली तो वैसे ही 80 का ही होता है और नॉन वेज थाली 90 का होता है, मतलब अंडा थाली 90 का ही होता है। ये IRCTC का रेट है, लेकिन भैया पहले ही बताया कि इतना प्राइस लगेगा, जब बिल मांगे तो सही रेट सामने में आए। और ब्रेकफास्ट का भी उन्होंने बिल दिया है, वेज कटलेट 40 का, ब्रेड ऑमलेट 50 का। मैं आपको बिल दिखाता हूँ। बिल दिखाने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी ट्रेन जर्नी करते हैं और जिस ट्रेन में पेंट्री हो, पेंट्री से अगर आप खाना खाते हैं कुछ भी, तो भाई उसका बिल जरूर लें। यह बिल देख सकते हैं, जयंत कुमार घोष कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड MNK रोड इस्पात एक्सप्रेस, ये दिया गया है। और यहाँ देखिए, आप देखिए आइटम देखिए, वेज मील 80 रुपये, नॉन वेज मील 190 रुपये, ठीक है, टोटल 170। और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने जो किया था इसका ये देखिए, 40 वेज का और नॉन वेज का 50, ये 90 रुपये का ब्रेकफास्ट और 170 रुपये का हम लोगों ने लंच किया। तो भाई ये तो जरूरी हो गया है, जर्नी करने वक्त ध्यान रखें बिल जरूर लें।
कौन सा चॉकलेट खाएगा? किंडर जॉय। किंडर जॉय, किंडर जॉय मिलेगा स्टेशन पे तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स ट्रेन। क्या ना गुड्स ट्रेन? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? दोनों दोनों आता है? सर जानता चीनी खाता है तुम? चोरी करके चीनी खाता है किचन से? क्या कर चॉकलेट खाता है? देखो ब्रिज है, देखो देखो नदी दिखेगा, ये देखो देखो भाई लगभग 570 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं हीराकुंड रेलवे स्टेशन और यहां पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन पहुंची है यहां बिल्कुल ऑन टाइम। और हीराकुंड जो है ना रेलवे स्टेशन, ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और आपको पता ही है हीराकुंड डैम वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट डैम है। जी हाँ, वैसे तो यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है लेकिन भाई हमको खुद देखना है, विजिट करना है, वहाँ नदी के ऊपर वो बना हुआ डैम है। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 7 और कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं तितलागढ़। और देखिए कोइंसिडेंस है कि मेरे जो को पैसेंजर है ना भाई साहब, मेरे ही शहर में पढ़ाई करते हैं, मतलब समस्तीपुर पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहीं पढ़ाई करते हैं। तो अभी ये जो है ना छुट्टी में थोड़ा जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, ये उड़ीसा के ही है। तो चलिए इनसे आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नैन पढ़े। नैन? नैन पढ़े। हाँ नैन नाम है इनका। कितने दिन से समस्तीपुर में है? हमारा 5 महीने हो गए। अभी 5 महीने हुआ तो मतलब शहर कैसा लगता है आपको? अच्छा है। सही है, खाना पीना वगैरह सही है? सही है। और देखिए ये ना ये काजू कतली लाए थे तो पूरी जर्नी मतलब यही खाते हुए टाइम पास हुआ है हम लोगों का। वैसे ये कहाँ का है? ये पिपलानी का है। पिपलानी, ये पिपलानी कहाँ का है? ये स्वीट्स है, उड़ीसा का है क्या? किसी जगह मेनली 3 जगह मिलता है ये। हाँ एक राउरकेला हो गया, हो गया। अच्छा जगह। वैसे अभी हमने ट्राई किया था काजू कतली, भाई साहब गजब का था, सच बता रहे। तो चलिए कुछ देर में हम लोग पहुँचेंगे तितलागढ़। हमने सोचा अपने को पैसेंजर को इंट्रोड्यूस करवा दे ताकि फ्यूचर में ये जब भी व्लॉग देखे तो याद रहे। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग डिबोर्ड हो चुके हैं इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन से तितलागढ़ में। वैसे यहाँ पे इस ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची भी है 15 मिनट बिफोर। तो चलिए
यहाँ से अभी बाहर निकलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो भाई साहब, जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का काफ़ी बढ़िया रहा, और ट्रेन जो है ना पंक्चुअल है। और मैं साफ़ सफाई की बात करूँ, वाशरूम की कंडीशन की बात करूँ, कोच की कंडीशन की बात करूँ, तो वो भी सही था। वैसे जिस कोच में हम जर्नी कर रहे थे वो कोच थोड़ा पुराना था, लेकिन उसे अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था। बार बार मतलब वो भी अच्छे से स्टाफ आ रहे थे, कोच की सफाई किया जा रहा था, वाशरूम का भी साफ सफाई किया जा रहा था। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो पेंट्री का बना हुआ खाना भाई साहब इस ट्रेन का एक नंबर है। बस ध्यान रखिएगा, बिल लीजिएगा, क्योंकि अगर बिल नहीं लीजिएगा तो फिर आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा देना पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, पेंट्री के में बना हुआ खाना अगर किसी भी ट्रेन में खाते हैं तो बिल जरूर लीजिए। वैसे टिटलागढ़ ना उड़ीसा का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। जी हाँ, वैसे मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। और ये जो इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन है ना भाई साहब, ये चलती है कहाँ तक मालूम है? ये चलती है आपको कंटा बंजी तक। तो हम लोग पूरी जर्नी नहीं किए, क्योंकि यहाँ से टिटलागढ़ से हम लोग का ना कनेक्टिंग ट्रेन था। आज रात में ट्रेन है, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे दूसरी जगह, फिर वहाँ से एक नई ट्रेन जर्नी करेंगे, वो भी उड़ीसा होते हुए निकलेगी ट्रेन। तो इस ट्रेन जर्नी के दौरान जो भी स्टेशन मतलब हमने मिस कर दिया, क्योंकि बहुत लोग बीच के होंगे जिन्हें देखना अपना स्टेशन पसंद है, तो भाई घबराइए मत, क्योंकि अगली ट्रेन जर्नी जो आएगी ना, तो जो भी स्टेशन हमने बीच में अभी छोड़ा है इस जर्नी में ना, वो आपको अगली जर्नी में कवर किया जाएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।